brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखने में छोटा है लेकिन काम बड़ा करता है। टूथब्रश की तरह दिखने वाला ये डिवाइस असल में माउथ कैंसर की पहचान करता है, वो भी शुरुआती स्टेज में ही, यानी कैंसर की पहली सीढ़ी पर ही। और इस बड़े काम की डिवाइस का आविष्कार किया है आईआईटी कानपुर ने। कोशिश 5 साल से चल रही थी और आखिरकार मेहनत रंग लाई। अब एक ऐसी डिवाइस बनकर तैयार है जिससे महज फोटो खींचकर शुरुआती दौर में ही कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। इस डिवाइस को नाम दिया गया है मुक परीक्षक। इसे बनाया है आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट प्रोफेसर जयंत कुमार और उनकी टीम ने। ये एक डिवाइस जिसको हम लोग कह रहे हैं मुक परीक्षक, ये एक नॉन इन्वेजिव, मतलब ये कि जिसमें केवल इमेज लेके ही आप कैप्चर कर सकते हैं ओरल कैंसर के जो स्टेट है उसके बारे में। इसको करीबन हम लोग पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं और कई जनरेशन ऑफ डिवाइस बनाए हैं। इसकी खास बात है वो ये है कि ये प्री कैंसर, मतलब कैंसर जो उसके स्टेट से पहले का जो स्टेट है इसके बारे में बता सकता है कि किस स्टेट में है। प्रोफेसर जयंत कुमार के मुताबिक इससे पहले सैंपल लेना पहले के मुकाबले बेहद आसान होगा। इससे पहले टिश्यू का इस्तेमाल करके ओरल कैंसर की पहचान होती थी जिसमें काफी समय लगता था, लेकिन अब इसके लिए टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी। कैंसर की पहचान करने के लिए मुंह के अंदर इस डिवाइस को घुमाना होगा, जिसके बाद इसमें लगे सेंसर और कैंसर मुंह के अंदर की तस्वीर खींचकर संस्थान के द्वारा डेवलप किए गए ऐप पर शेयर करेंगे, जिससे कैंसर की मौजूदगी का पता चल जाएगा। इसमें AI सेंसर का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये मुंह के अंदर हर हिस्से की बारीकी से जांच कर सके। मेन चीज ये है कि अभी जो एनालिसिस है उसमें केमिकल्स भी यूज होते हैं और दिक्कत ये होती है अगर टिश्यू निकाला जाता है तो पेशेंट जो है वो भाग जाते हैं। और इसमें ऐसा है कि आप कहीं भी प्राइमरी हेल्थ केयर में आप चेक कर सकते हैं, कोई स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और हमारे पास ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट या ऑन्कोलॉजी वाले ये सब कम मिलते हैं, तो इसलिए ऐसा डिवाइस बनाने की जरूरत थी जहाँ पे ये आम नर्स भी यूज कर सके, तो इसलिए इसको सोचा गया है। इस डिवाइस का ट्रायल कानपुर के JK कैंसर अस्पताल समेत कई अस्पतालों में किया जा चुका है और ये सफल भी रहा। अस्पतालों में सफल ट्रायल के बाद अब इसे बाजार में लाने की तैयारी है। प्रोफेसर जयंत की माने तो ये डिवाइस 3 से 6 महीने के अंदर बाजार में उपलब्ध होगी। कीमत 50,000 से 1,00,000 रुपए तक हो सकती है। हालांकि IIT कानपुर की कोशिश इसे और भी कम करने की है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत ने एक और आविष्कार किया है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, भारत तक।